आज इस रसोई की सफाई होगी। जो ऊपर वाली रसोई है एक तरह से स्टोर रूम बना रखा है, बड़े कंटेनर यहीं पर रखे हैं सारे सामान के। लेकिन स्टोर रूम है ना, तो लाओ सामान यहाँ पर डाल दो, लाओ यहाँ पर डाल दो, जिसका जो मन करता है वो यहाँ पर रख जाता है। तो आज इसकी मैं सफाई करूँगी पूरी अच्छे से। देखो सारा सामान बाहर निकाल के बिल्कुल साफ कर दिए एकदम चकाचक। कितना प्यारा कलर है यहाँ के, जो पत्थर लगा है इसमें देख सकते हैं। ये सब अलमारी नीचे वाली भी साफ कर दी है, बस भी सामान सारा ये पड़ा बाहर। ये चूहों ने काट दिया कट्टा, इसमें डिस्पोजेबल रखे थे, इन सबको अरेंज करूँगी। अभी अरेंज करके फिर दिखाती हूँ। देखो पूरी क्लीन हो गई है किचन, जो भी एक्स्ट्रा सामान था। कई बार चीज़ें जुड़ती रहती हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और अगर बिखरी हुई पड़ी रहती हैं तो भी ज़्यादा भरा हुआ लगता है। अब ये मैंने सब अच्छे से अरेंज कर दिया, साफ़ हो गई है। अब थोड़ा सा काम करूँगी मैं गमलों में, क्योंकि गमले भी कंप्लीट हो गए हैं मेरे पेंट होके। गमलों का काम तो मैं बस थोड़ा सा कर ही रही हूँ, वरना तो मुझे नीचे वाली किचन की सफाई करनी है पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गमले थोड़े से पूरी छत पे बिखरे हुए से थे, तो मैंने सोचा थोड़ा साइड में रख देती हूँ। ये एक किचन में से ये एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा निकला था, तो उसी के नीचे ईंट लगा के तो फिर मैं इन्हें सेट कर रही हूँ। और अभी जो मैंने ये प्लास्टिक वाले छोटे पॉट है ना, इनको ऑयल पेंट से पेंट किया है, इनके ऊपर भी थोड़ा सोच रही हूँ स्माइली वगैरह बनाऊँगी। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी तो नहीं बना रही। अभी तो बस नीचे जाके किचन की सफाई शुरू करती हूँ। किचन की सफाई हो गई है शुरू, और देखो ऊपर की मैंने तीनों अलमीरा खाली कर दी है। और सामान देखो, ये कुछ यहाँ पे है, कुछ ये डब्बे खाली करे हैं दालों के, दालें रखी हैं इधर, ये सब सामान थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रखा है, और बाकी कुछ यहाँ पे रखा है क्योंकि बर्तन वगैरह मैं ऊपर वाले में रखती हूँ जो कभी कभी चाहिए होते हैं। और ये जो सब बर्तन मैंने दालों के डब्बे भी धो दिए हैं सारे, और सब बर्तन साफ करके रख दिए हैं। ये वो बर्तन है जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तब निकाले जाते हैं, और साथ साथ खाना भी बन रहा है। और ये बड़ी वाली कढ़ाई परात वगैरह, ये अभी तो ऐसे ही फैला पड़ा है सारे में, सब सामान मैंने निकाल के यहाँ पे रख रखा है। पहले मैं इसको करूँगी साफ, उसके बाद सामान लगा दूँगी, क्योंकि मैंने ना तीन हिस्सों में डिवाइड करी है। पहले इस अलमीरा को साफ करूँगी, फिर नीचे वाली सारी ड्रॉर साफ करूँगी, एक एक करके करूँगी, नहीं तो ज़्यादा काम फैल जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में करूँगी ये वाली क्रोकरी वाली, नहीं तो फिर क्रोकरी टूटने का डर रहता है। अभी तो मैंने सब सामान निकाल के नीचे रख रखा है, जो कोलिन से साफ़ करने वाला है उसे कोलिन से साफ़ कर दूंगी। और कुछ बर्तन मैंने धो दिए, वो आप देख ही सकते हैं। देखो बड़े बड़े भगोने भी रख रखे हैं मैंने, क्योंकि जब फैमिली सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ज़्यादा बड़े बड़े भगोने भी चाहिए होते हैं। कुछ इधर है, कुछ ये रखे इधर, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो ये वाली कैबिनेट भी मैंने खाली कर दी है पूरी, जिसमें क्रोकरी लगी हुई है, साफ़ नहीं की है, खाली करके
और ये सारे धो दिए हैं। अब धोना तो मैं नहीं सूट किया क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है, और इसके बावजूद भी इतने आराम से किया है मैंने ये काम, फिर भी मैंने 2 ग्लास तोड़ दिए हैं, इसीलिए खुद कर रही हूँ। और 7 बजे शुरू करा था मैंने शाम के, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। दिखाऊँ आपको, देखो 11:30 बज रहे हैं PM, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बस सोने जा रही हूँ। अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। ये डब्बे भी नहीं फिल किए हैं, अभी ऐसे ही रखे हैं बस। बाकी सामान तो मैंने इनमें अलमीरा में लगा दिया है, डब्बे छोड़ दिए हैं, और ये कांच के बर्तन सुबह लगेंगे। ये वाली कंप्लीट हो गई है पूरी, क्रॉकरी वाली लगा दिए हैं, और नीचे का सारा सामान निकाल लिया था मैंने सुबह। अब धुलाई करके देखो, चमक गई है एकदम किचन। धुलाई करके सुखा दिए एकदम सूखे कपड़े से, सारी ड्रॉर साफ कर दिए। देख नीचे इसके ऐसे इधर ही सब साफ करके छोड़ दिया है। सामान ऐसे ही पड़ा है सारा, ये यहाँ का भी बर्तन में डब्बे वब्बे सब धो के रख रखे हैं, जो भी इनमें है। फ्रिज भी बाहर निकाल रखा है, इधर सारे में धो दिया है मैंने। देखो हाथों की हालत, कई जगह से तो कट गए, पानी में ना बिल्कुल बेकार हो गए हैं। और थकान हो रही है बहुत, 12:30 बज रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है काम फिनिश। रात 12:30 तक, 11:30 तक रात किया था, 12 बजे तक सोई थी, और अभी भी ये, पर ये है कि आज ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी किचन मेरी, थोड़ा बहुत काम और बचेगा। दिवाली की सफाई बेहाल कर देती है बिल्कुल। तो चलिए सामान लगा लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको।